स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7 का हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहा हूं, जो ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर है 1/4 का 1/4, समझे? यहां पर 1/4 का 1/4 का मतलब होता है इनटू गुणा, यहां पर गुणा मतलब यहां पर 1/4 को यहां पर सॉल्व करके आपको कर रहा हूं 1/4 इनटू 1/4, यानी कि 1 बन जा 1 और 4 जा 16, ये आपके लिए आंसर होगा। उसी प्रकार आपका ये है यहाँ पर, ये होमवर्क के फील्ड में आपको बता रहा हूँ कि 4/3 का 1/4। अब यहाँ पर 4/3 का मतलब इनटू 1/4, यानी कि 4 बन जा 4 और 3 4 जा 12, 4 बन जा 4 4 3 जा 12, यानी कि आपका आंसर आया यहाँ इसका आंसर आया आपका 1/3, ये आपका आंसर आ। उसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर है 3/10 का और 1/7, तो यहाँ पर आपका है 3/10 इंटू 1/7, यानी 3 और 10 7 जा 17, ये आपका आंसर आ। तो इसी प्रकार से आपका ये 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आपको होमवर्क करना है। अगर आपको इसमें फिर भी समझ में नहीं आते हैं होमवर्क करते समय, तो आप मुझे कमेंट करके और आज क्लास 7 में हम पढ़ेंगे आप भिन्न वाली संख्या को न्यूनतम संख्या से गुणा करना। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है कि गुणा कीजिए न्यूनतम रूप में लिखी बदलिए, यानी कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 2/3 इंटू 2/3। यहाँ पर ये संख्या है, इसमें आपको कैसे इंटू करते हैं, तो यहाँ पर है 2/3 सॉल्व करके यहाँ पर इंटू यहाँ पर इन दोनों का गुणा, और जो आंसर आता है गुणा करने पर उसके पास प्लस कर देते हैं, यानी 3 × 6 और प्लस 2/3, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे 2/3 इंटू 3 और 2 इंटू ये, तो यहाँ पर आएगा 8/3, यानी 6/8। अब यहाँ पर हम करते हैं इन दोनों का इंटू 8 × 16 × 3 = 9, यहाँ पर आपका आंसर आया। और न्यूनतम रूप में बदलिए, यानी न्यूनतम रूप में है इसका, यहाँ पर हमें सकते हम 9 + 1 = 7/9, ये हमारा न्यूनतम रूप हुआ या भिन्न के रूप में व्यक्त हुआ। तो इसी प्रकार ये यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चन को यहाँ करा हमने, तो यहाँ पर हम कट रहा है तो हम काट सकते हैं यहाँ पर 2 × 4 = 2 × 3 = 6, और यहाँ पर कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 × 9 और 8 × 16, ये हमारा आंसर हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे हम कर सकते हैं 2/7 × 7/9, तो यहाँ पर हम 7 से 7 काटते हैं तो 2/9, यह हमारा आंसर हुआ। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है यहाँ पर 9/5 × 3/5, यहाँ पर कर सकते हैं 9 × 27 और 95 = 25, ये हम कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हम न्यूनतम रूप में या भिन्न के रूप में, यहाँ पर कर सकते हैं 1/2/25, 25 से कम 25 और 27, ये हमारा आंसर हुआ। उसी प्रकार आप यहाँ भी ये कर सकते हैं कि 11/2 × 3/10, यहाँ पर कर सकते हो कि 11 × 3 = 33, और यहाँ पर कर सकते हैं 2 × 10 = 20, ये, और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 1/13/20, ये हमारा न्यूनतम रूप रहा। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं, या आपको बाकी करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके या मुझे कॉल करके बोल सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। थैंक यू।